नमस्कार, मेरा नाम गौरव अग्रवाल है और आप देख रहे हैं अड़ी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई और कोर्ट ने उन्हें 1 अप्रैल तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। लेकिन आज कोर्ट में केजरीवाल ने ईडी पर सनसनीखेज आरोपों की बौछार कर दी। हम आज इसी पर बात कर रहे हैं, विपक्षी पार्टी या भ्रष्टाचार, किसे खत्म कर रही ईडी? क्योंकि केजरीवाल ने कहा है कि ईडी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है और धमकी देकर पैसे वसूल रही है, जबकि ईडी की तरफ से एसजी ने कहा कि केजरीवाल सनसनी फैलाना चाह रहे हैं और कोर्ट को कंफ्यूज करना चाहते हैं। हमारे पास मनी ट्रेल के पूरे सबूत हैं, तो आज इसी पर बात करेंगे कि अरविंद के दावे में दम है या कोर्ट को कंफ्यूज कर रहे हैं केजरीवाल, विपक्षी पार्टी या भ्रष्टाचार, किसे खत्म कर रही है ईडी। देखिए, आइए इससे पहले आपको जरा बता देते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें कौन सी हैं। चुनाव से जुड़ी खबरें भी आपको जल्दी से बता देते हैं और फिर अपने इस मेन मुद्दे पर आते हैं। अरविंद केजरीवाल की हिरासत और बढ़ गई है, कोर्ट ने 1 अप्रैल तक ईडी कस्टडी में अरविंद केजरीवाल को भेजा है। उधर एक और बड़ी खबर, वकीलों की चिट्ठी पर पीएम मोदी का पोस्ट, डराना धमकाना कांग्रेस की संस्कृति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वकीलों की चिट्ठी पर पोस्ट किया और कहा कि डराना धमकाना कांग्रेस की संस्कृति है, कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी से बच रही है। 140 करोड़ जनता उनको नकार रही है, वो स्वार्थ के लिए प्रतिबद्धता चाहते हैं। 600 से ज्यादा वरिष्ठ वकीलों ने आज सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी, जिसमें पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश सालवे भी शामिल हैं। जिसके बाद पीएम ने कहा कि डराना धमकाना कांग्रेस की संस्कृति है, वो स्वार्थ के लिए प्रतिबद्धता चाहते हैं। और पीएम मोदी के हमले पर कांग्रेस का पलटवार आया है, न्यायपालिका की रक्षा के नाम पर हमले की साजिश, ये कहा जयराम रमेश ने। बीजेपी को कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने कई झटके दिए हैं, भय, ब्लैकमेल और धमकी से पार्टी को चंदा, ये जयराम रमेश का जवाब है। वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को कानूनी गारंटी दी है पीएम ने। और इसी बीच शिवसेना में शामिल हुए गोविंदा शिवसेना शिंदे गुट में, सीएम शिंदे ने दिलाई है उनको पार्टी की सदस्यता। मुंबई नॉर्थ वेस्ट से चुनाव लड़ सकते हैं गोविंदा, ये जानकारी आ रही है। अभिनेता गोविंदा ने कहा, मेरा 14 साल का वनवास खत्म हुआ। और झारखंड से बड़ी खबर है, झारखंड में एनडीए में सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है, 13 सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे। गिरिडीह सीट आजसू को देने पर सहमति बन गई है। देखिए, ये बड़ी खबरें जो चुनाव से जुड़ी आ रही थी या इस वक्त की बड़ी खबरें, लेकिन हमारा आज का मुद्दा, विपक्षी पार्टी या भ्रष्टाचार, किसे खत्म करना है ईडी। और सुनिए, जब अरविंद केजरीवाल जा रहे थे कोर्ट में तो उन्होंने क्या कहा TV9 भारतवर्ष के सवाल पर, सुनिए। सीएम सर, एलजी सेइंग कि सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी, व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस? एलजी कह रहे हैं सरकार जेल से नहीं चलेगी, ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल षड्यंत्र भी है। और देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, सुजाता पॉल हैं कांग्रेस की प्रवक्ता, हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं वरिष्ठ पत्रकार, और संजीव झा हैं आम आदमी पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। संजीव झा, क्यों आप लोग ये कह रहे हैं, अरविंद केजरीवाल बड़ा सनसनीखेज आरोप लगा गए कि आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है ईडी, मतलब? देखिए, हालांकि आज कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी ने सारे अपने आर्ग्यूमेंट से धराशायी कर दिया कि किस तरह से ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड ये इन्वेस्टिगेशन है और ईडी किस तरह से पॉलिटिकली मोटिवेट होकर के आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री को या भारतीय जनता पार्टी को भ्रष्टाचार से बहुत लेना देना होता तो एक से एक वो तमाम लोग जिसके ईडी रेड कर रहा था, जो प्रधानमंत्री सचारी कह रहे थे, उसको अपने पास ले लिए, तो भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए, मजे की बात यह है कि जिस दो एक्यूज के जो अप्रूवर बाद में बन गया, उसके बयान पर अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया, वो कौन लोग हैं? पहला है पी शरद चंद्र रेड्डी। पी शरद चंद्र रेड्डी पहले लगातार कहता रहा कि मैं अरविंद केजरीवाल को नहीं जानता, मेरी कोई बात चीत नहीं, लगातार 4 बार बोला उसने अपने स्टेटमेंट में। पांचवें स्टेटमेंट में जब वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गवाही दिए तो उसको बेल मिल गया, ईडी ने बेल का अपोज नहीं किया। फिर बाद में पता चला
कि उसने 50 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे दिया, फिर उसको अप्रूवल बना दिया गया, ये एक एक्यूज है। दूसरा एक्यूज है राघव मंगूठा, उसने 4 बार लगातार पहले बोलता रहा कि अरविंद केजरीवाल से कोई लेना देना नहीं, मुझे मेरी कभी बात नहीं हुई, लेकिन चौथे में वो कहता कि हाँ अरविंद केजरीवाल से हमारी मुलाकात हुई और तमाम बातें जो आप देख रहे हैं चार्जशीट में, लेकिन उसको भी उसका भी जब उसने खिलाफ बोल दिया, फिर बेल लगाया, बेल का ईडी ने अपोज नहीं किया, और अभी वो एनडीए अलायंस का वो पीएम का एमपी का कैंडिडेट है। तो समझिए वो दो एक्यूज, एक एक्यूज से मनी ट्रेल भारतीय जनता पार्टी के पास है। आज अगर ईडी के रेड के बाद अगर वही आदमी भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे रही है और प्रधानमंत्री कहते हैं से परहेज है, या कैसे परहेज है, तो ईडी को जांच तो वहां करना चाहिए था। और ईडी अगर वहां जांच, मेरे सवाल का जवाब इसमें नहीं आया, मैं ये पूछ रहा हूं केजरीवाल अगर ये कह रहे हैं कि ईडी आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है, तो ईडी की आम आदमी पार्टी से क्या दुश्मनी है, क्यों खत्म करना चाहती है ईडी आम आदमी पार्टी को? देखिए वो इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी से घबराई हुई, और ईडी कोई इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी नहीं है, ईडी भारतीय जनता पार्टी का एक यूनिट की तरह काम कर रही है। आप देखिए ना अभी चुनाव चल रहा है, ईडी का काम क्या है, सुदीप्तो राय बंगाल के एक मिनिस्टर हैं, उसके यहां पहले ईडी रेड किया, और ईडी रेड करने के बाद डील हुई, जनवरी में रेड हुआ और मार्च में वो पार्टी ज्वाइन कर लिए। इसी तरह अरविंद गायकर उद्धव जी ग्रुप के एक एमएलए हैं, लगातार 3 समन ईडी ने भेजा, चौथे समन से पहले वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया, उसके बाद कोई समन लगातार नहीं गया। अब छगन भुजबल जी के इससे बड़ा क्या हो सकता, जिस छगन भुजबल को ईडी ने जेल में भेजा, बाद में कहता मेरी पिटीशन ही गायब हो गई। तो आपको लगता है कि ईडी इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी है? नहीं है, ईडी भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन मैनेजमेंट कर रही है, और दूसरी तरफ एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट बनी हुई है कि तमाम ईडी भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन मैनेजमेंट कर रही है। ईडी पहले एक और कदम आगे जा